हेलो एवरीवन, आई एम पूजा कोबर। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ, जो कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई से आउट की गई है। कौन से ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट ओपन हो गया आ जाएगी, जो कि एक महारत्न कंपनी है। यहां पर आपको करियर सेक्शन में क्लिक करने के बाद जॉब ओपनिंग्स में वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स मिल जाएंगी। ये मैंने ओपन कर दिया है। यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट ऑफ R&D प्रोफेशनल्स न्यू अपडेट पर क्लिक करने के बाद, डिटेल एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करने के बाद एक PDF फाइल आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। ये मैंने PDF फाइल डाउनलोड कर लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, 15 पेज की फाइल है। इसमें वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स दी गई हैं। मैं स्क्रॉल करके देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी है। कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स भी देख लेते हैं। 14 मार्च 2022 से आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की यहाँ पर 18 अप्रैल 2022 है, यानी कि आपको अपने फॉर्म को 18 अप्रैल 2022 तक फिल कर लेना है। एंड ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक कल से एक्टिवेट हो जाएगा। आइए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, कौन से ग्रेड में है, एज क्या मांगी गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, ये सारे डिटेल्स हम यहाँ पर देखेंगे। पोस्ट है चीफ मैनेजर डिप्टी जनरल मैनेजर इंजिन में है। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। ग्रेड में यहाँ पर E&F है। मैक्सिमम एज 45 से 50 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड एज रिलैक्सेशन यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से ही फॉलो होगी। एंड ये एज रिलैक्सेशन प्रत्येक वैकेंसी प्रत्येक पोस्ट पर लागू होगी। चीफ मैनेजर डिप्टी जनरल मैनेजर की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को अगर देखें, तो अगर आप PhD इन कंप्यूटर एंड एमिसन इंजीनियरिंग में, या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, या थर्मल इंजीनियरिंग में, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या अदर रिलेवेंट एरियाज ऑफ केमिकल साइंसेस में आपके पास PhD है, तो आप इस पोस्ट के एलिजिबल हो सकते हैं। एंड साथ ही अगर आप ME या MTech हैं इन कंप्यूटर में, एंड एमिसन इंजीनियरिंग में, या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, या थर्मल इंजीनियरिंग में, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो भी आप इस पोस्ट के एलिजिबल हो सकते हैं। PhD कैंडिडेट के लिए 12 से 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जबकि ME MTech कैंडिडेट के लिए 14 से 17 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट आपका चीफ मैनेजर डिप्टी जनरल मैनेजर कॉरेशन रिसर्च में है। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। E&F ग्रेड है। 45 से 50 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी में PhD इन केमिस्ट्री में, या केमिकल इंजीनियरिंग में, या मेटालर्जी विद स्पेशलाइजेशन इन कॉरेशन स्टडीज में मांगा गया है, या अदर रिलेवेंट एरिया जॉब केमिकल साइंसेस में मांगा गया है। PhD की एक्सपीरियंस PhD के लिए एक्सपीरियंस 12 से 15 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जबकि MTech इन केमिकल इंजीनियरिंग या मेटालर्जी अगर आपके पास है, तो 14 से 17 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट आपका चीफ मैनेजर डिप्टी जनरल मैनेजर क्रूड एंड फ्यूल रिसर्च में है। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। ग्रेड E&F है। 45 से 50 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। PhD इन केमिकल इंजीनियरिंग में, या अदर रिलेवेंट एरियाज ऑफ केमिकल साइंसेस में आपके PhD है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। साथ ही एक्सपीरियंस 12 से 15 साल का मांगा गया है। अगर आप ME या MTech केमिकल इंजीनियरिंग में है, तो 14 से 17 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट आपका चीफ मैनेजर डिप्टी जनरल मैनेजर एनालिटिकल में है। यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। E&F ग्रेड की वैकेंसी है। 45 से 50 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। PhD इन एनालिटिकल में, या ऑर्गेनिक में, या फिजिकल केमिस्ट्री में, या अदर रिलेवेंट एरियाज ऑफ केमिकल साइंसेस में आपकी PhD मांगी गई है। साथ ही 12 से 15 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट आपका असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर पेट्रोकेमिकल्स एंड पॉलीमर्स में है। नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है। ग्रेड ये आपका B&C है। 34 से 36 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी में PhD इन पॉलीमर्स में, या पेट्रोकेमिकल्स में, या मटेरियल साइंस में, या पॉलीफेन में, या
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या अदर रिलेवेंट एरियाज ऑफ केमिकल साइंसेज में आपकी पीएचडी है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है एंड अदर आपकी 33 से 36 साल के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एमई या एमटेक हैं इन केमिकल इंजीनियरिंग में या पेट्रोकेमिकल में या पॉलीमर में या प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में तो 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट आपका है असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर इंजन में। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। ग्रेड आपकी बी एंड सी है। 34 से 36 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अगर आप पीएचडी हैं। अगर आप एमई एमटेक हैं तो 33 से 36 साल के कैंडिडेट यहां अप्लाई कर सकते हैं। तो 34 से 36 साल में देख लेते हैं पीएचडी इन कंप्यूटेशन एंड एमिसन इंजीनियरिंग में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, या थर्मल इंजीनियरिंग में, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या अदर रिलेवेंट एरिया जो केमिकल साइंसेस में पीएचडी है तो अप्लाई कर सकते हैं। 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है पीएचडी में। जबकि अगर एमई एमटेक है इन कंप्यूटेशन में, एमिसन इंजीनियरिंग में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, या थर्मल इंजीनियरिंग में, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट आपका असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर नोवल सेपरेशंस में है। नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। ग्रेड बी एंड सी है। मैक्सिमम एज 34 से 36 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के केस में। अगर आप एमई एमटेक है तो 33 से 36 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं पीएचडी इन केमिकल इंजीनियरिंग या अदर रिलेवेंट एरियाज ऑफ केमिकल साइंस में आपकी पीएचडी है तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एमई एमटेक केमिकल इंजीनियरिंग में है तो 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट आपका असिस्टेंट मैनेजर कैटालिस्ट स्केलअप में है। नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। ग्रेड बी एंड सी है। 33 से 36 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एमई एमटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग में मांगा गया है। 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर ऑफिसर पेट्रोकेमिकल्स एंड पॉलीमर्स में। नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है। ग्रेड ए है। 32 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी पीएचडी इन पॉलीमर्स, पेट्रोकेमिकल्स, मटेरियल साइंस, पॉलीफेन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या अदर रिलेवेंट एरिया जो आप केमिकल साइंसेज में मांगा गया है। किसी भी तरह का एक्सपीरियंस की जरूरत यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट पोस्ट आपका सेक्शन नेक्स्ट पोस्ट सीनियर ऑफिसर इंजन में है। नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है। ए ग्रेड की वैकेंसी है। यहाँ पर 32 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के केस में। तो देख लेते हैं पीएचडी इन कंप्यूटेशन एंड एमिसन इंजीनियरिंग में, या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, या थर्मल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या अदर रिलेवेंट एरियाज ऑफ केमिकल साइंसेस में अगर आपकी पीएचडी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि किसी भी तरह का एक्सपीरियंस यहाँ नहीं मांगा गया है। एंड अदर 27 साल के अदर 27 ईयर का कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं एमई एमटेक कंप्यूटेशन एंड एमिसन इंजीनियरिंग में, या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, या थर्मल इंजीनियरिंग में, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मांगा गया है। एंड किसी भी तरह का एक्सपीरियंस की जरूरत यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट पोस्ट आपका सीनियर ऑफिसर बैटरी रिसर्च में। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। ए ग्रेड की वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी पीएचडी इन केमिस्ट्री में, या केमिकल इंजीनियरिंग में, या मटेरियल साइंस में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या अदर रिलेवेंट एरिया जो केमिकल साइंसेस में मांगा गया है। एक्सपीरियंस यहाँ पर नील है। नेक्स्ट पोस्ट आपका सीनियर ऑफिसर नोवल सेपरेशंस में। नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। ए ग्रेड की वैकेंसी है। 32 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी इन केमिकल इंजीनियरिंग में, या अदर रिलेवेंट एरियाज ऑफ केमिकल साइंसेज में तो भी एलिजिबल हो सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पर नील है। अगर आप 27 ईयर के कैंडिडेट हैं तो एमए एमटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट आपका सीनियर ऑफिसर रेसिड अपग्रेडेशन में है। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। ए ग्रेड की वैकेंसी है। अगर आप पीएचडी हैं तो 32 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एमई एमटेक हैं तो 27 साल एज मांगा गया है। पीएचडी इन केमिकल इंजीनियरिंग या अदर रिलेवेंट एरियाज ऑफ केमिकल साइंसेज में है, एक्सपीरियंस नील है। 27 साल के कैंडिडेट के लिए एमई एमटेक केमिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पर किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट आपका सीनियर ऑफिसर क्रूड एंड फ्यूल रिसर्च में। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। ए ग्रेड की वैकेंसी है। 32 ईयर के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी इन केमिकल इंजीनियरिंग या अदर रिलेवेंट एरियाज ऑफ केमिकल साइंसेज में मांगा गया है। जबकि 27 ईयर की कैंडिडेट के लिए एमई एमटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग में मांगा गया है। एंड यहाँ पर किसी भी तरह का एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पोस्ट आपका सीनियर ऑफिसर एनालिटिकल में है। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। ए ग्रेड की वैकेंसी है। 32 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी इन केमिस्ट्री एनालिटिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एंड एमएससी एंड बीएससी रिलेवेंट एरियाज ऑफ केमिकल साइंसेज से मांगा गया है। एक्सपीरियंस नील है। यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस देख लेते हैं। यहाँ पर
अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो 60% मार्क्स मांगा गया है ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पीएचडी लेवल पर। अगर आप SC/ST PWD कैंडिडेट तो 10% की आपको छूट दी जा रही है, यानी कि 50% मार्क्स आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया को देख लेते हैं कि कैंडिडेट को कैसे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म को फिल करते समय आपने जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है उसके बेस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। देन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा एंड ग्रुप टास्क, पर्सनल इंटरव्यू इत्यादि लिया जाएगा। इन्होंने कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी डिसाइड किए हैं। कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 60% फॉर अनरिजर्व एंड EWS कैंडिडेट के लिए होगा, 54% फॉर OBC NCL के लिए होगा, SC/ST PWD ओके। इन्होंने कुछ कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट भी डिसाइड किए हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मेरिट लिस्ट में जो बनेगी वो 60% फॉर अनरिजर्व एंड EWS कैंडिडेट के लिए होगा, जबकि अगर आप OBC NCL में है, SC/ST PWD कैंडिडेट है, तो आपको कम से कम 54% मार्क्स लाना ज़रूरी है, तभी आप क्वालिफाई हो सकते हैं। यहाँ पर हम सैलरी देख लेते हैं क्या मिलने वाली है। सैलरी ग्रेड में ए ग्रेड की वैकेंसी में आपकी 60,000 से लेकर 1,80,000 पर मंथ मिलेगी, जो कि CTC में 19.45 लाख पर ईयर आपको यहाँ पर मिलेगी। बी ग्रेड की वैकेंसी में 70,000 से लेकर 2 लाख है, जो कि CTC आपकी 23.53 लाख जाएगी, जबकि सैलरी ग्रेड सी में आपकी 80,000 से लेकर 2,20,000 है, जो कि 26.90 लाख पर ईयर जाएगी। एंड सैलरी ग्रेड ई में आपके 1 लाख से लेकर 2,60,000 है, जो कि 36.2 लाख पर ईयर जाएगी CTC। एंड सैलरी ग्रेड एफ में 1,20,000 से लेकर 2,80,000 44.67 लाख आपके पर ईयर यहाँ पे CTC जाएगी। इसके साथ ही एज पर HP रूल्स आपको यहाँ पर बेस पे रिटायरमेंट बेनिफिट्स, डीएनएस अलाउंसेस, HRA, कैफेटेरिया अलाउंस इत्यादि भी दिया जाएगा। इसकी प्लेसमेंट एंड पोस्टिंग देख लेते हैं। शुरुआत में इसकी पोस्टिंग HP सेल ग्रीन R&D सेंटर बेंगलोर में होगी एंड आफ्टर सर्विसिंग एज पर रिक्वायरमेंट ये ट्रांसफरेबल जॉब है, जो कि इंडिया के किसी भी प्लेस में आपको यहाँ पर पोस्टिंग मिल सकती है। एंड इसका प्रोबेशन पीरियड सिलेक्टेड कैंडिडेट को 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड से गुजरना होगा। एप्लीकेशन फ़ीस देख लेते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस अगर आप अनरिजर्व OBC NC एंड EWS कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको 1180 यानी कि 1000 प्लस 180 आपको यहाँ पर GST चार्ज देना होगा, यानी कि टोटल फीस आपकी 1180 है। SC/ST PWD के केस में आपको किसी भी तरह की फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।